आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं निकलती है? आप प्लान बहुत ज्यादा दिखाते हो, लोगों को मीटिंग में लेके आते हो, फिर भी लोग ज्वाइन आपके साथ नहीं होते हैं। तो कुछ कारण है जिनको आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी, बाढ़ आ जाएगी ज्वाइनिंग की। दोस्तों नमस्कार, JRCM। बहुत सारा प्लानिंग करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं आती है, नो ज्वाइनिंग। लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? हम तो प्लान बहुत दिखाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, प्लान को सही तरीके से दिखाते हैं, उसके बाद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं आती है। अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 10 में से 2 ज्वाइनिंग भी नहीं आती है, ऐसा क्यों? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो से आपको आज सीखने को मिलेगा कि हम 10 लोगों में से 4 लोगों की 5 लोगों की ज्वाइनिंग कैसे करा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा करा सकते हैं आप। क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस के साथ में बात कर रहा हूँ आपसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्लान दिखाते हैं तो ज्वाइन क्यों नहीं होता है, वजह क्या है, उसके कारण क्या है। और अगर अभी इस वीडियो के बाद अगर आप लोगों को प्लान दिखाएंगे तो लोग ज्वाइन आपके साथ हो जाएंगे, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति कहते हैं कि ये करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि इस काम को इस तरीके से ना करो, कोई नहीं बोलता है। तो बताने वाले तो लोग बैठे हैं कि ऐसे करो, लेकिन वो लोग नहीं आपको मिलते जो बताएं कि आप इस काम को इस तरह से मत करो। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे। दोस्तों मैं इस बिजनेस में कैसे आया, मेरा आने का क्या पर्पस था, कितने दिनों में आया, उसके बारे में बातचीत करूंगा आपसे। यूँ समझ लीजिए, इस बिजनेस में आने का मन मेरा बिल्कुल नहीं था, मैं आना ही नहीं चाहता था, इस बिजनेस को सुनना नहीं चाहता था, समझना नहीं चाहता था। मैं ज़बरदस्ती इस बिजनेस में लाया गया, ज़बरदस्ती। और मुझे इसमें आने में, इस बिजनेस में आने में लगभग मुझे 90 दिन लगे थे, 90 डे लगे थे दोस्तों। अब सोच के देखिए, 90 दिन मुझे लग गए थे इस बिजनेस में आने के लिए, किंतु परंतु मैं फंसा था। बाजार की जो वायरल बातें हैं कि बेकार है, खराब है, लूटने का काम है, जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है, ये जो बातें लोग कहते थे ना, जो वायरल है बातें लोगों में, जिसको बोलते हैं अधूरा ज्ञान, वो बातें मेरे पास थी, वो अधूरा ज्ञान मेरे पास था लोगों का, फेलियर लोगों का। तो मैं इसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो मेरे अपलाइन है, जिन्होंने मुझे लगातार फॉलोअप किया, लगातार मुझे रडार में रखा, हर मीटिंग सेमिनार के लिए उन्होंने कॉल मुझे किया, पर मैं फ़ोन को उठाता था, बहाने मार देता था, ज़्यादातर तो फ़ोन उठाता ही नहीं था मैं। तो मैं इस बिजनेस में कैसे आया, अगर ये बात आपको पता चल जाए तो आप काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हो। आज मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो आज मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बनता, और आज आप लोग मेरी इस वीडियो को नहीं देख पाते। तो हमारा इस बिजनेस में आने का मन नहीं था, ज़बरदस्ती में लाया गया। बहुत दिनों से मेरे अपलाइन मेरे पीछे पड़े थे कि प्रमोद जी सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, लेकिन मैं समझना नहीं चाहता था। एक दिन मैं पीछा छुड़ाने गया और पीछे लग गया, अपने अपलाइन से अपना पीछा छुड़ाने गया था और उनके पीछे मैं लग गया, क्योंकि मेरे पास था अधूरा ज्ञान, उनके पास था पूरा ज्ञान। तो कहते हैं कि जब माइनस के ऊपर प्लस पड़ता है तो माइनस का पता नहीं लगता किधर चला गया। तो मैं वहाँ पर गया, अपना पीछा छुड़ाने के लिए गया कि सर बताइए। तो उस समय सर तो हम बोलते नहीं थे, ऐसे बोलते थे कि हाँ भाई साहब बताइए क्या बात है, आप इतने दिन से रोज़ मुझे फ़ोन करते हो, रोज़ मुझे फ़ोन करके बुलाते हो, इनवाइट करते हो कि आपसे मिलना चाहते हैं, आप RCM के बारे में समझ लो, आप इससे मतलब कंपनी के बारे में समझ लो, लेकिन मैं नहीं समझना चाहता, मैं नहीं सुनना चाहता आपकी बात को। आज आप बताओ, आज से आपसे हमारा पीछा छूट जाएगा, नाता छूट जाएगा, जो भी जैसे भी है, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं। बार बार जब मैं कहीं अपने परिवार को लेके जाता था, फिर कॉल आ जाता था बीच में, कहीं मैं घूमने चला गया, कहीं भी घुमाने बच्चों को लेके चला जाता, फोन आ जाता था उसी में, यहाँ मीटिंग वहाँ, बहुत डिस्टर्ब होता था उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मैं होता था। आप समझिए दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं निकलती है? आप प्लान बहुत ज़्यादा दिखाते हो, लोगों को मीटिंग में लेके आते हो, फिर भी लोग ज्वाइन आपके साथ नहीं होते हैं। तो कुछ कारण है जिनको आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी, बाढ़ आ जाएगी ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले बात करें कि जब आप सेमिनार में किसी को लेकर आते हैं, मीटिंग में किसी को बिठाते हैं, या प्लान किसी को दिखाते हैं, तीन काम, मीटिंग में लाते हैं, सेमिनार ले जाते हैं, या किसी को प्लान दिखाते हैं, उसके बाद आप फॉलोअप कितनी बार करते हैं? ईमानदारी से बताना, कितनी बार आप फॉलोअप करते हैं? मेरे हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा अगर फॉलो करते होंगे, फॉलोअप अगर आप किसी को फॉलोअप करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा करते होंगे, तो दो बारी, या मान लीजिए एक बारी, या दो बारी, या ज्यादा से ज्यादा तीन बारी, बस एक दो बार तीन बार से ज्यादा फॉलोअप नहीं करते, किसी को नहीं करते। उतने देर में आप उसको छोड़ के दूसरे पर लग जाते हैं, दूसरे को प्लान दिखाने लग जाते हैं। जो रूल कहता है, अगर हम रूल की बात करें, रूल क्या कहता है, रूल्स, ये रूल्स कहता है हमारा कि कम से कम की बात करें तो लोगों को 5 बार फॉलो करना चाहिए। ये जो रूल्स बोलते हैं, रूल्स का मतलब कि 5 बार लोगों को फोन फॉलोअप करना चाहिए। आप बताइए, अगर हम 1 से 2 बार फॉलोअप किए, 3 बार फॉलोअप किए, उसके बाद नहीं किए, तो क्या चांस है जुड़ने का? नहीं। मुझे लगातार 3 महीने तक, 90 दिन तक मुझे फॉलोअप किया गया, तब जाकर के मैं इस बिजनेस में आया। आप सोचो दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो व्यक्ति तुरंत जुड़ जाते हैं, तुरंत आईडी लगा लेते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो लंबे समय तक चलेंगे। 99% गारंटी नहीं होती है।
कि वो चलेंगे, लेकिन जो किंतु परंतु करके आते हैं, जो सोच विचार के आते हैं, जो इसके बारे में सर्च करने के बाद ज्वाइनिंग होते हैं, आईडी लगाते हैं, उनका चांस होता है 70% चांस होता है कि वो करेंगे। तो जो जल्दी आ जाए उसकी गारंटी नहीं होती है, जो लेट आता है उसकी गारंटी होती है कि बिजनेस करेगा। आप सोचो दोस्तों, मैं 90 दिन के बाद आया और बिजनेस को करना शुरू किया और आज रॉयल्टी लेवल पे पहुंच गया हूं। तो दोस्तों कम से कम 5 बार फॉलोअप लोगों को करना ही होता है और 5 बार फॉलोअप 5 तरीके से करना होता है। 1 बार फोन कॉल से फॉलोअप करना होता है और 1 बार उनको अपलाइन के साथ जाकर के फॉलोअप करना होता है। 1 बार आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ जाकर फॉलोअप कर सकते हैं। 1 बार आप अकेले जाकर फॉलोअप कर सकते हैं। यानी आप 1 महीने में उनको 5 बारी मिले या 2 महीने में कम से कम 5 बारी फॉलोअप उनको करें। तो फॉलोअप में 90% आपका जो रिजल्ट आता है, प्लान दिखाने में 10% का रिजल्ट आता है। फॉलोअप में आपके साथ में कई सारा प्रश्न क्वेश्चन होता है, उसमें उनको क्लियर करना होता है कि आपको इसे क्यों करना जरूरी है। तो किसी को फॉलोअप करना है तो कम से कम 5 बारी फॉलोअप करना, इससे कम नहीं करना है। और जो जल्दी आते हैं उनकी संभावना जल्दी हो जाती है जाने की। तो दोस्तों ये आज की जो जानकारी मैंने दिया, इससे आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। और अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा करके, साथ में जो बेल आइकन यानी घंटा है उसको दबा के ऑल पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएगी, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और नॉलेज बढ़ेगी तो आप अपने फील्ड में काम कर सकते हैं। तो MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करते हैं तो ये वीडियो आपको ये सिखाता है कि 5 बारी फॉलोअप करना होता है, लोगों का किंतु परंतु खत्म करना होता है। और एक बात और आपको बता दें कि जब तक किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे, प्लान नहीं दिखाओगे, सिस्टम के अंदर नहीं लेकर के आओगे, तब तक वो आपकी बात को सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा नहीं। तो सिस्टम में लेके आने का मतलब उसको प्लान दिखाना, उसको जानकारी देना, मीटिंग सेमिनार में बिठा देना, उनको प्रोडक्ट यूज करा देना, ताकि उनके पास जो भी किंतु परंतु है वो खत्म हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में बने रहने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने लोगों, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर कीजिए कि अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है तो यही कारण है कि आप फॉलोअप नहीं करते हैं। तो आपको फॉलोअप सही तरीके से करना है, 5 तरीके से करना है, 5 बार में फॉलोअप करना है, तो जाकर के चांस होता है व्यक्ति की आईडी लग जाए। आईडी लगने के बाद बहुत बड़ा प्रोसेसिंग होता है उसको लीडर बनाने में, वो सारी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बना करके आपको देंगे इस चैनल पर। और बहुत सारा प्यार दुलार देने के लिए आप सभी का, बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा, आपके बीच में आऊंगा नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। जय RCM।